हाय दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ 11 बजे से स्टार्ट। दादी के लिए ले जा रही हूँ चाय, ये बोतल और ये थर्मस में चाय। थर्मस में इसलिए ले जा रही हूँ आज क्योंकि दादी आज दूर वाले खेत में गई है, बहुत दूर। तो इसलिए थर्मस में, क्योंकि केतली में चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए तो थर्मस में ले जा रही हूँ। सुबह से घर पे ही थी, घर पे ही काटा घास वास, तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई मैं। और अब मैंने कहा खेत जाते जाते ब्लॉग स्टार्ट भी कर लेती हूँ, है ना। तो अभी चलती हूँ पहले खेत। और अभी टाइम मतलब हुआ नहीं है चाय के लिए, 11:30 बजे चाय का टाइम होता है। तो मैंने कहा दे आती हूँ पहले, फिर खाना बनाना है, फिर मैंने नहाने के लिए पानी रखा हुआ है, नहाना है, कपड़े उपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, बहुत सारे काम है। घर पे काटा मैंने आज घास और साथ में अपने लिए पानी भी गर्म कर दिया। अब मैंने कहा खेत से आऊँगी तो सीधा नहा जाऊँगी क्योंकि गर्मी लगी रहेगी ना खेत से आके, तो तुरंत नहाना है मेरे को। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहुंच चुकी हूँ खेत में और यहाँ पे मेरी दादी बैठी हुई है
अच्छा एक गिलास भाई उधर हो तो दादी के लिए चाय लेके आई मैं, और आज दादी इधर को आ रखी है। वो हमारा ऊपर हमारा गांव, और दादी गांव के नीचे आई है। ये रहा हमारा गांव पूरा, और दादी आई है गांव के नीचे। तो मैं यहाँ चाय देने आई थी, और दिन दादी उधर को ही रहते थे ना घर के उधर, तो चाय देने आ जाती थी वहाँ जल्दी से। लेट भी आती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ दूर है ना, तो मैंने कहा पहले चाय दे आती हूँ तब करूँगी बाकी के काम, क्योंकि यहाँ दूर है। अभी खाना बनाना है, नहाना है, पानी गर्म करके आई हूँ मैं। तो अभी चाय पी रहे हैं, दादी ने कहा थोड़ी सी तू भी पी ले, तो क्योंकि थर्मस भर के लाई थी ना, मैंने कहा खेत में ले जानी है तो कोई मिल जाता है रास्ते में या दूसरे खेत में तो सही रहता है, उनको देनी होती है चाय फिर, तो इसलिए। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो टाइम हो चुका है शाम के 6:30, और मैं ना दिन से जब मैंने खाना बनाया उसके बाद मैंने मतलब जब मैं चाय दे के घर आई तब से मैं ब्लॉग बनाना बिल्कुल ही भूल गई थी, या मतलब दिमाग में नहीं आया कि मैं ब्लॉग बना रही थी। तो मैंने कहा चलो दुकान जाते जाते स्टार्ट कर देती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान। अरे पीछे हमारा गाँव, तो दुकान जा रही हूँ, और साथ की सारी चली गई है। आज उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया, पता नहीं क्यों, लेकिन चली गई है सारी के सारे। यहाँ पे गधेरा है जो कि हमें रोज पार करना होता है, और वैसे है पत्थर 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 पे जाके मतलब जा सकते हैं पत्थर पत्थर में, लेकिन मेरे को पाँव भिगाने अच्छे लगते हैं इसलिए मैं हमेशा पाँव भिगा के ही जाती हूँ। और जिसको पाए मतलब पाँव भिगा के नहीं जाना होता वो जा सकता है पत्थरों में, तो मैं पता क्या मैं इस डर से नहीं जाती ना कहीं फिसल ना जाऊँ पत्थरों में, क्योंकि मैं हमेशा फिसलती रहती हूँ जब देखो तो इसलिए नहीं जाती हूँ। तो आज कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ। सारी की सारी जा चुकी हैं, और इन्होंने आज मेरे को और दिन फ़ोन कर देते थे, आज फ़ोन भी नहीं किया। तो आज ना 4 बजे के बाद मुझे नींद आ गई अच्छे से, और 5:30 बजे उठी मैं, 5:40 हो रहा था। फिर मैंने नहाई थी ना, बाल वाल नहीं बनाए थे, तो फिर बाल वाल बनाए, और मेरे बाल बनाने में तो आधा घंटा लगता है मेरे को, क्योंकि लंबे हैं ना, पतले हैं लंबे हैं, लेकिन हम उनकी ना ऐसे आराम से करते करते, क्योंकि टूटते हैं ना बहुत, इसलिए आराम से उनकी केयर करके बनाने पड़ते हैं। किसी के हैं नहीं तो कोई केयर नहीं करता, हमेशा मैं तो करती हूँ ना, लेकिन यार आराम से बनाती हूँ, हमेशा जूड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि ना मेरे बाल उलझ जाते हैं, चाहे वो ऐसे लंबी वाली चोटी बनाओ या कुछ भी बना लो मेरे बालों का, मतलब हेयर स्टाइल। वैसे लंबे बालों में हेयर स्टाइल बहुत कम बनता है, लेकिन जैसे भी बनाऊँ ना मैं तो उलझ ही जाते हैं वो, जूड़े में ही ठीक रहते हैं मतलब। इसलिए अपने ससुराल में तो मैं 2-3 दिन का बाल भी नहीं बनाती हूँ यार, ऐसे ही रहते हैं वो, ऐसे जूड़ा है तो वैसे ही है। और मेरी जेठानी के छोटे छोटे बाल हैं ना, तो मतलब ज़्यादा बड़े ही नहीं है, छोटे बाल हैं उनके, तो उनके अभी बनाएंगे ना, शाम को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने बनाए थे बाल करके ना, तो इसलिए मेरे बड़े हैं तो मेरे सही रहते हैं। अभी मैंने तेल भी नहीं लगाया बालों पर, ऐसे ही बना दिए, तो इसलिए क्योंकि बाल थोड़े गीले गीले से लग रहे थे मेरे को, तो मैंने ऐसे ही बना दिए। मैंने कहा तेल लगाऊंगी तो अजीब से चिपचिपे से हो जाते हैं, इसलिए देखो पीछे कितना सुंदर लग रहा है मेरा गाँव। तो चलो मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, ठीक है? अभी मैं दुकान पहुँचने वाली हूँ, पहुँची नहीं हूँ, लेकिन मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, और अब हम जा रहे हैं घर। हमारा यही काम होता है शाम को दुकान आना, उसके बाद घर मस्त से बैठे रहो, और 6 बजे आ जाते हैं दुकान, और 7:30 अभी तो घर जाते जाते तो पता नहीं कितनी रात होती है मेरे लिए, कभी इसके घर पे चली जाती हूँ, कभी उसके घर पे चली जाती हूँ। अरे डिब्बा अरे तो तुम्हारे घर में बैठ जाओ यार, बैल पर सी घर में बैठ, यू बैल क्या घर में बैठ यार, क्या घर में बैठ चुमी दिया। हाँ जी जाने के लिए नाशपाती खा लो दोस्तों। और मैं ये डब मैं कब से बोल रही थी कि खाली डब्बा चाहिए मेरे को, तो ये डब्बा क्योंकि ना मेरा सामान ऐसी है उसमें ना, सुनना चुपड़ा हम क्या बोलते हैं तभी तब तुम फिर गुड़गांव कंप्यूटर रहो उसमें पर्स में ऐसे पड़ा हुआ है सामान, तो मैंने कहा इसमें रख दूंगी जब तक यहाँ हूँ, तब माँ को देके चली जाऊंगी। और ना बारिश होने लग गई है, ऊपर से मौसम देखना चारों तरफ कोहरा कोहरा लग रहा है, चारों तरफ यू छमनू तो देखा जरा, चारों तरफ कोहरा कोहरा लग रहा है, मस्त बारिश हो रही है, हल्की सी बूंदा बांध, तो बूंदा बांध एक दिन में इन्हें बाल बूंदा बांध है, मेरे ठंड में इन्हें चुड़ा दी बूंदा बांध के बाल बूंदा बांध दी बूंदा बांधी।
तो चलो मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, अभी जा रहे हैं हम घर। बाय तगड़े बाद तो नहीं हाय तगड़े टाइम हो चुका है, रात के 10 बजने वाले हैं और हमने खा लिया है खाना और अब जा रहे हैं ऊपर सोने के लिए। तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।